सब यहाँ पे हाँ तो हुआ ऐसा कि प्रॉपर किसी को पता नहीं है तो वो हम गूगल मैप करेंगे और गूगल मैप के जरिए हम इजीली वहाँ पे पहुँचेंगे। एक मिनट मैं लगा देता हूँ एक चीज़ जिससे आवाज़ की जो क्वालिटी है थोड़ी बहुत डिफरेंस नज़र आएगा, मतलब पता चलेगा। मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो आधा बार फॉग से पूरा ढक गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइम लैप्स लगाया, ये मैं आपको दिखा दूँगा। मुझे जैसे दिख रहा है तो वैसे आप लोगों को भी दिखना चाहिए और ये जो व्यू है पूरी तरह से कैप्चर होना चाहिए, तभी एक्चुअली मज़ा आएगा ना। तब भाई साहब टाइम लैप्स ले रहे, ओहो हो गया। इसलिए मैंने कैरी किया था। बारिश इसकी जो बूंदे है जोर से लग रही है, भीगना है। वाव मजा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहां से लेना है लेफ्ट। ए लेफ्ट बोल के राइट में जा रहा है, ये होते पढ़े लिखे गवार। लेफ्ट बोल के राइट में घुस रहा है और लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं थी, वो रास्ता ही नहीं है। पानी बरसा के हमको भिगो रहा है और ये मजे लेते हुए हमारे निशान, मतलब भाई साहब को क्या हुआ, तेरा वादा गाने आ रहा लग रहा है। अपनी प्रेमिका को याद कर रहे भाई साहब, क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या कहना है? और ज्यादा कभी कभी याद अंदर से निकलता है, अंदर से झुमरे के अंदर से निकलता है। ये है यहाँ का गाँव दादा और ये गांव की स्कूल। कभी बारिश कभी धूप, तो कभी बारिश ही बहुत ज़्यादा और अभी धूप है। धूप मतलब इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, कभी गीले हो जाते फिर सूख जाते, फिर गीले हो जाते फिर सूख जाते, तो ये गीला सूखा चलते रहेगा और हम लोग बना दे रहेंगे घाट। घाट घाट का पानी पी क्या है अब, जैसे कितने घाट का पानी पिए आप लोग? बहुत सारे घाट का पानी पिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर नजारा। बहुत संभाल कर यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करनी होगी बिकॉज बारिश का टाइम है, और बारिश का टाइम अगर नहीं भी है तो भी क्योंकि ये रास्ते ऐसे 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 कैसे ऐसे 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 तो ऐसे ऐसे रास्ते से हम लोग ऊपर आए। ऊपर आने के बाद हमें ये दिखा, बादल छाए हैं, भीगने का मन है लेकिन जब जैसे ही व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा हम भीगेंगे। स्टार्ट करना है जो पहाड़ से ऊपर ट्रेकिंग, वहाँ तक हम लोग एक्चुअली अभी तक पहुँचे ही नहीं। ये जो नज़ारा है वो दिखाना चाहता हूँ तो शायद ये वीडियो जो है बड़ी हो सकती है। हरिहरगढ़। सो गाइज वो जो पहाड़ दिख रहा है वो है हरिहर और वहाँ हमको जाना है। वी होप के अब पहुँच जाएंगे थोड़े टाइम में, लेट्स सी।
यहाँ से जो है स्टार्ट है, चल के जाना है यहाँ से। गाड़ी वगैरह हमने वहाँ पे मतलब छोटा गांव है तो घर के यहाँ पे पार्क कर दिया, बोर्ड लगाया और वॉर्न किया है कि जुलाई अगस्त एंड सितंबर में जब ज़्यादा बारिश होती है तब यहाँ पे जाना मना है, लेकिन हम इतने दूर आए और कोशिश भी ना करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मतलब जाना तो है। चलते ये जो पहाड़ है लाइक बाहुबली मूवी में जैसे दिखाया है कुछ वैसे ही नज़ारा हमारे सामने है आँखों के। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड नेचर। जंगल के रास्ते से हम जा रहे हैं, छोटे छोटे रास्ते बट कमाल है। देखो ऐसी हालत हुई है और इतने ऊपर आने के बाद अब सब पत्थर पत्थर है तो पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली रास्ता कहाँ से और जाना कैसे। छोटी पे जाना है से बारिश शुरू हो चुकी है, ये मजा भी आ रहा है, टाइम लग चुका है यहाँ पे और एक्चुअली हम लोग बादल के अंदर है और मजा आ रहा है सबको देखने के लिए, तो यहाँ पे हर एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा है और एक ही मिनट में ये जो दिख रहा था वो पूरा व्हाइट हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर कुछ दिख रहा है बट पूरा फॉग है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पहले के लोग कैसे आते थे, कैसे रहते थे। हमारी तो फट रही है, आज तक का सबसे सबसे डेंजरस एडवेंचर रहेगा मेरे लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए और मेरी लाइफ का एक्चुअली हम लोगों की लाइफ का सबसे डेंजरस एडवेंचर रहेगा ये, और सीरियसली जिसकी भी फटती है वो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, कुछ 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 समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर चढ़ने के वक्त में वहाँ पे पकड़ने के लिए भी मतलब वो सीढ़ी के अंदर थोड़ा पत्थर टाइप है तो वो आप पकड़ के नीचे आ सकते हो, ऊपर चढ़ सकते हो। कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत बढ़िया है। मतलब ऊपर आने के पहले क्या सोचा था और अभी क्या सोच रहे? एकदम शांत लग रहा है, मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन करने का मन कर। तेरे को कैसा लग रहा है? बादल में और कुछ अब भाई की जबान खुलेगी नीचे जाने के बाद सीधा। भाई साइलेंट मोड पे चल गए। भाई वैसे तो बहुत उछलते कूदते रहते लेकिन अभी अभी बनना था है। इसलिए शांत से बैठे।
बाइक जितना करते ना, हम सोच रहे हैं कि जाने का कहीं से, जितना करते ना उतना बाइक की फटती भी है। और ये धुंधला सब दिख रहा है, तो अभी नीचे जाना मतलब थोड़ा रिस्की है, तो थोड़ा कम जैसे होता है हम निकल जाए। और एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतनी इतनी सी सीढ़ी है, एक ही जन आ सकता है या एक ही जन जा सकता है, तो कुछ लोग आ रहे हैं ऊपर, तो अगर नीचे जाना है और वो लोग अगर ऊपर आ रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात है कि नीचे जाएंगे कैसे और उन लोग ऊपर आएंगे कैसे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे कि उन लोग सब लोग जो है ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बादलों के बीच है हम लोग। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम नीचे कैसे जाएंगे, यही बोलना पड़ेगा। आलिस वेल 15-20 लोग आए थे, वो आधे रास्ते से नीचे से ही चले गए दादा, अब ऊपर आ गए। मजाक है, थोड़ा सा फॉग हट रहा है। अभी तैयारी है निकलने की, बिकॉज फॉग वगैरह थोड़ा कम हो गया है, तो अभी निकलते हैं। लग तो नहीं रहा है कि नीचे उतरते वक्त बात हो पाएगी, अगर मौका मिले बीच में तो उतर लेंगे। स्टार्ट कर दिए नीचे जाने के लिए। डरावना है। बैठ के अभी उतरना पड़ेगा, बैठ के उतरने वाले है, बैठ के लेट के जैसे भी है बस उतरना है। इजी, बहुत इजी, भले कितना भी टाइम लगे लेकिन जाना हमें एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम इजी जाना है। सो बस स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली अब बीच में अब हिम्मत होगी नहीं, अभी तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जब आगे जाएंगे तब ऐसे जाना पड़ेगा उल्टा होके जैसे आए थे। बस चलते रहो, आवाज गूंज रही है। हेलो, और खुद ही को मोटिवेट करते हुए यहाँ से हम बैठ के जाने वाले, यहाँ से आगे से हमें बैठ के जाना है। आप देख भी सकते हो यहाँ का नजारा, देखो नजारा ये देखिए, इधर इधर इधर। तो गाइस तू नीचे उतर, मैं दिखा था क्या ब्रो, YouTube के लिए क्या क्या करना पड़ता है सीरियसली, मतलब खट्टी पड़ी है लेकिन करना है। गाइस समझो यार, लाइक कमेंट शेयर करो, तुमको पता नहीं कि यहाँ पे क्या हालत हो जाती है। हाय गाइस, इनका चैनल है मराठी ब्लॉगर, सो ये मेरा YouTube चैनल है। सांस फूल रही है, मैं समझ सकता हूँ कि इतना ऊपर आने के बाद बात करना, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, थैंक यू। वो रहा है लिटरली नहीं, और फटी पड़ी है लेकिन करे क्या। सो गाइस, हम उसके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे जो हम सुबह आते वक्त गा रहे थे, उसका फेवरेट सॉन्ग जो दिल को छू जाता है, दिल को छू जाए, तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे, वो बंदा रो के पागल हो जाता है वो गाना। इधर ऊपर देख थोड़ा, तो हम शुरू करते हैं उस गीत को रोहित के लिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का। पर ऐसे गाने सुनता ही क्यों कि जो आँख में पानी आ जाए, आँख में नहीं कहाँ पानी आ रहा है, जो दिल को छू जाए, हर जगह यहाँ पे पानी दिख रहा मुझे। और गाइस पे ध्यान मत दो, चल रहे नीचे, चल जल्दी जल्दी, यही है। तू और यहाँ पे खड़ा देख सकते हो, ए तू चल बस उधर तक पहुंच गया ना, फोन साइड में रख, फोन में जाऊंगा। गाइस इधर आओ ना यार, साथ में मचाएंगे, जो ने नाचा उसको भी नाचाएंगे। व्हाट इज अप ये नहीं होता तो ऊपर चढ़ने को मतलब यार पॉसिबल ही नहीं होता। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए नीचे, और नीचे जाने के टाइम सबसे ज़्यादा फटी मेरी थी, सच बोलूँगा झूठ क्यों बोलूँगा। अभी आने के बाद अब एक कॉन्फिडेंट आ गया है कि मतलब यार जा सकता हूँ वापस, तो होप कि अगली बार जब जाना होगा नेक्स्ट ईयर बारिश में तो ज़रूर जाएंगे,
और इससे ज़्यादा मचाएंगे और ज़्यादा पब्लिक को लेके जाएंगे, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो उन लोगों के साथ और मज़ा आएगा और जिसकी पट्टी है फिर उसको देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो नहीं रहूँगा, किसी और को लेके आएंगे, उसके मज़े लेंगे और इंजॉय करेंगे यार, मचाएंगे मचाने। ये देख पानी में ना गंदा हो गया तो ये तो धोना पड़ेगा, फिर अभी नहाते और जाते आगे। इफ यू इंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना यार, बहुत मेहनत किया आज, मतलब फटी थी आज सीरियसली। मिलते हैं हम नेक्स्ट वॉक में, ठीक है, बाय।